हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं बट इसमें से हम आज सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो पहले सीखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी गांव ए के लोगों को गांव बी तक पहुँचने के लिए किसी और तीसरे गाँव का सहारा लेना होता है मतलब सी गांव से उनको गुजरना होता है ए गांव से सी गांव तक का रास्ता है चार किलोमीटर का और सी गांव से बी गांव तक का रास्ता है तीन किलोमीटर का फिर लोगों ने सोचा हम लोग अगर चार किलोमीटर और तीन किलोमीटर टोटल डिस्टेंस सेवन किलोमीटर ना करते हुए अगर हम लोग ए से बी तक का रास्ता बनाए तो हमें टाइम भी कम लगेगा और हमारा परिश्रम भी कम हो जाएगा तो उन्होंने ए से बी तक का रास्ता निकालने का सोचा उसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म होता है और ए बी जो डिस्टेंस है वो हो गया इसका हाइपोटेनस क्योंकि ये राइट एंगल सी की अपोजिट साइड है तो अकॉर्डिंग टू तो थ्योरम हम यहाँ पे राइट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो कि है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर जैसे हमें यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वस टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस थ्री इज इक्वल रूट ऑफ ट्वेंटी होगा 5 किलोमीटर जैसे कि यहाँ पे गांव के लोगों को पांच किलोमीटर का डिस्टेंस पास करना होगा उसी तरह अगर ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे पॉइंट्स के मान लो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन एंड वाई वन और बी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू एंड वाई टू यहाँ पे ए जो है वो एक्स वन डिस्टेंस पे है ओरिजिन से और बी जो है वो एक्स टू डिस्टेंस पे है ओरिजिन से सो so, इस दोनों का डिस्टेंस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन उसी तरह से अगर हम ए पॉइंट को देखेंगे वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो ये है वाई वन और B पॉइंट का Y एक्सिस से डिस्टेंस देखो तो ये है Y2 तो इन दोनों का डिस्टेंस रहेगा Y2 टू माइनस वाई वन यहाँ हम निकाल रहे हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक का डिस्टेंस इसके लिए हम X1 और X2 का पैरल लाइन ड्रा करेंगे और उसी तरह Y1 और Y2 का पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हुआ मिलेगा तो ए बी का डिस्टेंस हो गया हाइपोटेस ए सी का डिस्टेंस है एक्स टू माइनस एक्स वन उसी तरह बी सी का डिस्टेंस होगा वाई टू माइनस वाई वन सो हम इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर ये बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला ये कुछ और नहीं है ये पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है तो मान लो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे री कॉमा टू एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे सेवन कॉमा फाइव अब ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे सो अंडर रूट सेवन माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू स्क्वायर सेवन माइनस थ्री फोर सो फोर स्क्वा प्लस फाइव माइनस टू इज थ्री थ्री स्क्वा सो इज इक्वल्स टू रूट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू फाइव सो ए बी का डिस्टेंस आया फाइव तो इससे एक बात पक्का है कि डिस्टेंस फॉर्मूला इज राइट फ्रॉम द थ्योरम और दोनों का यूज होता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस हम यूज करेंगे जब एप्सुलेट वैल्यूज दिए होंगे और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे दोनों की मदद से हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अब ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं है सिर्फ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू स्विच किए जगह बदल दिए है क्योंकि स्क्वायर तो या फिर नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो दोनों के लिए स्क्वायर तो सेम ही रहेगा सो ऑन टेकिंग स्क्वायर वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू तो फॉर्मूला आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे दोनों में आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी और सेम ही डिस्टेंस मिलेगा तो इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे इस एग्जाम्पल में पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है निगेटिव टू कॉमा वन और क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू है फोर कॉमा थ्री डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर लेट्स द वैल्यूज तो यहाँ पे एक्स वन है निगेटिव टू वाई वन है वन एक्स टू है फोर और वाई टू है थ्री तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स टू फोर माइनस एक्स वन का वैल्यू है माइनस टू स्क्वायर ऑफ इट प्लस वाई टू का कोऑर्डिनेट है थ्री माइनस वाई वन है वन का स्क्वायर फोर माइनस माइनस टू ये हो गया सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन इज़ टू टू स्क्वायर सो स्क्वास इज थर्टी सिक्स प्लस स्क्वायर ऑफ टू इज फोर रूट ऑफ थर्टी सिक्स प्लस फोर इज इक्वस टू रूट ऑफ फोर्टी तो डिस्टेंस पी क्यू हमें मिलेगा टू रूट टेन और पी क्यू इज इक्वस टू सिक्स पॉइंट थर्टी टू चलो और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वन एंड सिक्स एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं फाइव एंड निगेटिव टू सो डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ एक्स वन दिया है वन वाई वन है एक्स टू है फाइव और वाई टू है निगेटिव टू इसको फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करेंगे एक्स टू इज फाइव माइनस एक्स वन इज वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू इज निगेटिव टू माइनस वाई वन इज सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर फाइव माइनस वन होगा फोर स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस सिक्स होगा माइनस एट उसका स्क्वायर so 4 square is 16 and negative 8 square is 64 so root of 16 plus 64 is root 80 रूट एटीन और इसका वैल्यू होगा ए बी इज इक्वल्स टू फोर रूट फाइव और एट पॉइंट नाइन्टी फोर यूनिट्स तो इस प्रकार से डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके आप किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस पता कर सकते हैं तो पाइथागोरस थेरम से ही डिस्टेंस फॉर्मूला है ये कुछ अलग बात नहीं है तो पाइथागोरस थेरम में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला में अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय हैप्पी लर्निंग